आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। जब हम मौजूद हैं कस्ता विधानसभा के भूपतपुर चौराहे पे, मार्केट में लोग यहाँ पर हैं, मार्केट भी है, लोग मार्केट के लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ किसान भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव आ रहा है कि किस पार्टी का वर्चस्व दिख रहा है, किसको वोट करेंगे, किस पालन पाली में ज़्यादा वोटर जा रहे हैं, युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी पक्ष में है। क्यों बीजेपी के पक्ष में ही क्यों? बीजेपी कार्य अच्छे किए हैं। क्या क्या बीजेपी ने अच्छे कार्य किए हैं, कुछ बताएंगे? गरीब किसान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। 15 करोड़ लोगों को राशन दिया है फ्री मुफ्त में, 42 लाख आवास निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत। और भी लोग उनसे बात करते हैं, किसान है हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है, किसको वोट करेंगे? हम तो भाई सपा को वोट करेंगे। क्यों सपा को? क्यों बसपा या कांग्रेस या भाजपा, क्यों नहीं? सपा के होने से 4 पैसे बचते थे, इसमें सिंधारे डकैती पड़ती है। कौन सी डकैती पड़ रही है? डकैती सब खेती किसानी की है, रात भी बचाते हैं, दिन भी बचाते हैं। भाजपा कह रही कि डबल इंजन की सरकार है, किसानों को बहुत अच्छा हाल है, किसानों के इतने अच्छे काम किए हैं, गरीब लोगों के इतने भी अच्छे काम किए, बेरोजगार को नौकरियां दी हैं, ऐसा क्यों? अरे नौकरी अगर दी होती तो हमें यहाँ हमारे क्षेत्र में किसी को एक को नौकरी मिली कोई बताई दे तो हम जान जाए। अच्छा भाजपा कह रही कि 300 पार जाएंगे हम, तो वो कह रही है, तो कह रही है, जब 10 तारीख को निकलेगा रिजल्ट तो मालूम होगा। अरे और भी लोग हैं मार्केट के लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की डेट नजदीक आ रहे हैं, क्या करेंगे इस बार? हम तो भैया वहीं वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ काम किया। क्या काम किए हैं, कुछ बताएंगे लोगों को? भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना लागू की, जिससे किसान के अगर खेत छोड़ जा रहे हैं, जानवर नुकसान कर दे रहे हैं, उतनी भरपाई करने के लिए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। और जो अभी और काम बताएं, जो अभी भारत सरकार ने 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया, जो मार्च से लागू हो जाएगा। अच्छा अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 पार अब की हम जाएंगे, जनता हमें चाह रही है। अकेले 3 हो भले 20 भले हो जाए, 33 नहीं हो सकते हैं, ये मेरे आवाज़। अच्छा योगी पर ही क्यों पिता है? क्या ऐसा योगी ने किया है कि योगी पर ही लोग पिता है? अरे वो महापुरुष है, योगी आदमी है, देश के लिए उसने बहुत कुछ किया है, सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया देश के नाम पे, सब कुछ अपना। चुनाव में इस बार क्या करेंगे, किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? साइकिल साइकिल ही क्यों, हाथी या कांग्रेस, क्यों नहीं? नहीं अखिलेश ने क्या ऐसा किया है जो अखिलेश ही? अखिलेश ने बढ़िया काम किए थे अपनी सरकार में, एम्बुलेंस वगैरह चलाई थी, उस वगैरह से। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे मार्केट के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरदेश कुमार। मित्रा जी, इस बार जो है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, डेट नजदीक आ रही है चुनाव की, क्या माहौल है, क्या करेंगे इस बार? इस बार केवल भाजपा ही जीतेगी और कोई जुगाड़ नहीं। भाजपा ही क्यों? क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं सब लोगों के लिए, और बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा काम किया है, और जो गाँव के हमारे खेती बाड़ी वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छे काम किए हैं। मार्केट में लोग कहते हैं कि जो दुकानदार हैं उनका नुकसान हो रहा है भाजपा सरकार का, किसी का हुआ होगा, हमारा तो कोई हुआ नहीं। व्यक्तिगत बात है, जो भी चाहते हैं खास लोग भाई साइकिल के लिए करें, ठीक है, मत है साइकिल पे जाए, हम लोग तो भाजपा वाले हैं, भाजपा के ही मन बना लिए हैं। इस समय हर प्रत्याशी, हर पार्टी का प्रत्याशी जो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। इस समय हम कस्ता विधानसभा के भूपतपुर गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे लोग खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या चुनाव का माहौल हो, किस तरीके से लोग वोटिंग करेंगे, किस व्यक्ति को चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, किसका चेहरा उन्हें पसंद है, किसका अच्छा लग रहा है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी, प्राइम टीवी, कैमरामैन मंजीत वर्मा के साथ। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। क्या विधानसभा चुनाव आ गए हैं, चुनाव की सरगर्मियां तेज है,
क्या किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री योगी जी को, 300 पार वो ही होंगी सीट। योगी है क्यों, अखिलेश या और कोई नहीं? मायावती अखिलेश कोई नहीं। क्या ऐसा क्या योगी ने किया जो योगी को ही चाह रहा? योगी मेरे हिंदुत्व के आदमी है और सभी को मुंडों को सबको दबते हैं। बिल्कुल आइए, और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार तिवारी है। चुनाव आ गया है, वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। किसको वोट देंगे? हम तो बहुत पुराने भाजपाई हैं, हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री। योगी ही क्यों, अखिलेश या मायावती क्यों नहीं? इन सबके आगे देखो ये सब बड़े लापरवाह हैं। पहली बात तो ये है, ये सब चोर हैं। योगी ने क्या ऐसा किया है जो योगी को ही चाह रहे हैं? योगी ने हमारे बहुत कुछ हमारे लिए किया है, बस एक थोड़ी तकलीफ है हमारी याद में कि हमारी गायें घूम रही हैं। जी फिर ताली। गायें ये घूम रही हैं और यहाँ प्रधान या किसी ने मिलकर के ये लिख करके दे दिया है कि 129 गायें बंद है। तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतने भ्रष्ट कर्मचारी क्यों हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। हमारा गांव पूरा समेत परेशान है गांव के कारण, जिसके लिए हमारे खेत पूरे पूरे गेहूं के नष्ट हो गए हैं और हमारे गांव में दिखाया जा रहा है कि 129 गायें गाँव की वो बंद हो गई हैं। बढ़िया, लेकिन सभी पड़ी हैं, एक तरफ से कोई भी जानवर बंद नहीं किया गया, लेकिन कागज में दिखाया जा रहा है सभी गायें बंद कर दी गई। चाचा की समस्या है छुट्टा जानवर। आइए युवा भी हमारे साथ है, युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श त्रिवेदी। यूपी में चुनाव आ रहा है, किसको मुख्यमंत्री चाह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। योगी ही क्यों, क्या ऐसा योगी ने किया जो योगी है? उनके हर काम अच्छे हैं। कौन सा काम कुछ बताएं? सब जो काम बताए वो अच्छा है। आइए और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश चंद्र राठौर नाम है। यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सारे प्रत्याशी गाँव में मांग रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा क्यों, डबल इंजन की सरकार बनेगी? डबल इंजन की इस वजह से सरकार बनेगी, हमारे यहाँ राम मंदिर का मुद्दा वो हल हो गया और बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित है और अखिलेश ने जो है राम भक्तों पे गोली चलवाई, आज जो है राम मंदिर बन रहा है और जो है हमारे योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जो है सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। अखिलेश या मायावती क्यों नहीं, क्या ऐसा है जो अखिलेश या मायावती को लोग नहीं? गुंडा राज था, गुंडा राज था वो, उनमें जो है सब गुंडों की ही सरकार थी, गुंडे ही जो है सब अपना जो है देखते थे और गुंडे ही करते थे और जो है हर बेटियां जो है सुरक्षित नहीं थी। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र अवस्थी। यूपी में चुनाव आ रहे हैं, किसको क्यों वोट देंगे? योगी जी को। क्यों योगी ही क्यों, क्या ऐसा कुछ योगी के ऐसे काम बताइए जो लोग उनसे खुश हैं, आप खुश हैं? योगी जी सबको गल्ला बराबर दे रहे हैं, खाने की दिक्कत थी लोगों जो बाहर काम करने गए थे उनको सबको दोनों ताम राशन मतलब फ्री मुफ्त दिया जा रहा है, तेल भी दिया जा रहा है, नमक भी दिया जा रहा है, चना भी दिया जा रहा है और किसान सम्मान निधि श्री मतलब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबको दे रहे हैं। केवल समस्या सिर्फ जानवर वाली है और कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है और फिर हम योगी जी को सरकार अपने तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं उनको किसान लेके लास्ट में जब चुनाव का माहौल सरगर्मियाँ तेज हो तब कुछ माहौल बदल सकता है क्या? नहीं माहौल कोई नहीं बदलेगा, लेकिन हम विश्वास करें अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। तत्काल ये जानवर हमारे यहाँ से 10 तारीख को अलग ही किया था और अभी 10 तारीख निपट गए 10 जनवरी और अभी तक जानवर हमारे यहाँ भूपतपुर में नहीं पकड़े गए हैं, ये तत्काल। ये बात करते हैं, हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। प्रधान जी जो चुनाव आ रहे हैं क्या माहौल है? माहौल केवल हिंदुत्व का है, केवल हिंदुत्व, दूसरा कोई माहौल नहीं है, केवल हिंदुत्व पर चुनाव है और काशी समझ गई है, मथुरा भी समझेगा और अयोध्या तो समझ ही चुकी है। अखिलेश कह रहे हैं कि अब की जो 300 पार, अखिलेश 300 नहीं, 3 नहीं पार हो पा रहे हैं, 300 तो बहुत दूर की बात है। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनके साथ। क्या माहौल है यूपी का आपकी? बस बराबर यूपी का माहौल सिर्फ बीजेपी से है और उत्तर प्रदेश को इस वक्त योगी जी की सख्त आवश्यकता है, भारत को नरेंद्र मोदी की सख्त आवश्यकता है। योगी पर ही क्यों फिदा? योगी पर क्यों फिदा? क्या माहौल है ऐसा, क्या योगी सरकार ने किया है जो योगी पर ही लोग फिदा? मैं 50 के लपेटे हुए अभी तक सारी सरकारों को देखता चला आया हूं और प्रेजेंट टाइम में जो देख रहा हूं, इसलिए मैं सबसे सुपर योगी महाराज, जय श्री राम। और भी लोग जय श्री राम। अब की क्या माहौल है? ठीक है,
क्यों बीजेपी क्यों? लाभ बहुत दिए थे, गल्ला बहुत मिलो, किसी को ही वोट करेंगे। हाँ हाँ वोट बीजेपी के। और भी लोग हैं, क्या माहौल है यूपी का आपकी? क्या नाम है आपका? करुणेश त्रिवेदी। क्या यूपी का माहौल क्या है? योगी का, योगी योगी क्यों? योगी है क्या? योगी ही क्या? मायावती क्यों नहीं? क्या है ऐसा? उपयोगी है इसलिए। उपयोगी सबका विकास। क्या योगी ने ऐसा क्या किया है जो योगी पर ही फिदा है? हाँ मतलब सब दिन फिदा रहे वो जिंदगी भर। और भी लोग हैं, युवा हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे योगी जी का वोट दे दिया। योगी ही क्यों? क्या ऐसा कारण है कि योगी को ही वोट देगा अखिलेश या मायावती? अखिलेश कह रहे हैं कि 300 पार जाएंगे अब की। सम्मान नहीं रहे योगी जी दे रहे, उनका यहाँ योगी सबसे बढ़िया। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए युवा है हमारे साथ, बात कर रहे हैं कि क्या माहौल है यूपी का, क्या माहौल है चुनाव का भैया? क्या माहौल है? हम तो गुरु जी का चाहे योगी जी को, योगी और क्या, अन्य को क्यों नहीं? नहीं योगी ही अच्छा आदमी है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या यूपी में चुनाव आ रहा है, क्या आप की करेंगे? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे, किसी को नहीं? क्यों? बीजेपी सरकार हम लोगों के हिंदुत्व के लिए सरकार होने में तो हम लोग को इसी। तो यहाँ पर जो साफ तरीके से आपने लोगों ने देखा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका सीधी तौर से कहना कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो यहाँ पर लोग कुछ लोगों के द्वारा रखा गया कि छुट्टा जानवर जो है, जो हमारा पशु घूम रहे किसानों की समस्या है, ये इसका निदान जरूर है होना चाहिए। युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यूपी में चुनाव का माहौल रहेगा? यूपी में चुनाव आ रहा है, क्या माहौल रहेगा आपकी? बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 32022 बीपीएल बेरोजगार भर्ती का एक जो है बेरोजगार व्यक्ति हूँ, जो कि बाबा ने समीक्षा के नाम पे भर्ती रोकी थी 2017 में, जो कि अभी तक दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में भर्ती रोकी गई थी कि मैं आपकी भर्ती को समीक्षा के नाम पे रोक रहा हूँ, दो महीने के बाद पूरी कर दूंगा, जो कि अभी तक नहीं हुई है। नया चुनाव आ गया है, 5 साल पूरे हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बाबा जी से कि प्लीज़ हम लोगों को जो बीपीएड बेरोजगार भर्ती 32022 है उसको पूर्ण कर दीजिए। हम सब बेरोजगार आपके साथ आएंगे, आपके हिंदुत्व में आएंगे। मैं आपकी सरकार बनेगी इस बार, जोर शोर से आपका माहौल है। बस एक ही रिक्वेस्ट हमारी है बाबा जी, हमारी बीपीएड भर्ती जो रुकी हुई है 32022, उसको आप समीक्षा के नाम पे रोक देते हैं, उसको आप पूर्ण कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भर्तियां रोकी गई उनको किया जाए। और कि 300 पार जाएंगे अब की यूपी में? जी 300 पार वाली बात रही ये तो समय बताएगा। माहौल जैसा कि अभी भाजपा का ही चल रहा है, हम लोग जो है कस्ता विधानसभा 143 से हैं, यहाँ का माहौल जो है सिर्फ भाजपा ही है। और मेरा कहना बाबा जी से बस इतना ही है सर, प्लीज़ हम लोगों की 32022 भर्ती जो है, 1.5 लाख बेरोजगार इसमें फार्म पड़े हुए हैं, आपने समीक्षा के नाम पे भर्ती रोकी थी, प्लीज़ कृपया इस भर्ती को पूरा कर दीजिए। आपसे और कोई मेरा विनम्र आग्रह नहीं है। अच्छा, अखिलेश ने कहा कि किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पुरानी पेंशन भी बहाल करेंगे। जी नहीं, इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक जैसा कि देखा गया क्षेत्र में कभी बिजली नहीं आती थी, 4 घंटे नहीं आती थी, 5 घंटे नहीं आती थी। इस समय हमारा क्षेत्र लखीमपुर खीरी से कस्ता विधानसभा है, जो कि यहाँ पे 12 से 15 घंटे तक बिजली प्राप्त हो रही है। देखिए बिल्कुल युवा ने अपनी पूरी बात रखी है, यूपी सरकार से पूरी बात रखी है। और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये देखो जा रहे हैं, क्या यूपी में चुनाव आ रहा है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्धाराम है। यूपी में चुनाव आ रहा है, किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री? हम योगी को चाहेंगे, योगी को। हमारे यहाँ योगी सोनू जो है। योगी ही क्यों? योगी ही क्यों? मायावती या अखिलेश क्यों नहीं? मायावती अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम इन्होंने किया है योगी ने, अच्छा काम किया। देखिए बिल्कुल लोगों का कहना है कि योगी ने अच्छा काम किया है, हम योगी के साथ है, योगी को वोट करेंगे। कुछ समस्याएं हैं ऐसी जो लोग जिनको बयां भी कर रहे हैं, जिसे चाहे वो युवा हो चाहे वो किसान हो। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी, कैमरामैन मंजीत वर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद
हम एक बार फिर पब्लिक के बीच में जाकर के उनसे समझेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, क्योंकि फतेहपुर जनपद के हम जहानाबाद विधानसभा में खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उन लोगों का क्या रुझान है, किसको मतदान करेंगे और किसके जो है माथे पर तिलक लगा करके उसको विधानसभा पहुँचाएँगे और उत्तर प्रदेश का कौन सीएम बनेगा। हम जानते हैं, हम पहले मिलते हैं एक बुजुर्गों से। और जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मुन्ना लाल जी, ये बताएं कि जो 2022 में जो 22 चल रहा है उसमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चौथे चरण में फतेहपुर जनपद में चुनाव होना है, उसमें किसको आप जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे? बसपा को। क्या कारण है कि जो आप बसपा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, बसपा के ही प्रत्याशी को जो है उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे, क्या है? राज्य का आपके हिसाब से जो वर्तमान में सरकार थी उसका काम आपको समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? कुछ तो ऐसी कमियां देखी होंगी जिसमें आप उनका काम आपको समझ में नहीं आया, तो बसपा को ही क्यों बनाना चाहते हैं? और भी तो पार्टियां हैं, आपको पसंद है वो हमारे है। आपका नाम क्या है? सूरज सिंह जी, ये बताएं कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तारीखें घोषित हो गई हैं, उसमें किसकी सरकार बनाने जा रही है? सर, मैं तो सपा को सपा है। ऐसा ऐसा क्या कारण है कि जो आप सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं? उसका कई कारण, 5 साल हो गए और आगामी 10 साल से हम तो बीजेपी लेवल का अधिकारी हो, किसी अधिकारी हो, कोई भी हो, तो मेरे हिसाब से एक चाय बेचने वाला और एक बदुआधारी से हम अच्छे भविष्य की कामना नहीं करते, इसलिए मेरे हिसाब से अखिलेश भैया ही बेहतर, इसलिए मैं सपा को सपोर्ट करूँ। ये बताएं सूरज जी कि आखिरकार जो बीजेपी ने इतनी अच्छी योजनाएं लॉन्च किया, जो प्रदेश में बहुत कार्य करवाए, अच्छे कार्य करवाए, तो इसके बाद भी क्या आप? नहीं सर, बीजेपी सरकार सिर्फ फील्ड वर्क पे कुछ नहीं है, जितना भी है सब उसका फाइल वर्क भी है, कागज वर्क पे काम है सर, फील्ड वर्क पे कुछ नहीं। एक चीज़ और बताएं, आपकी इस समय विधानसभा में फतेहपुर जनपद की 6 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं के जो है प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जबकि जहानाबाद और दिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी घोषित नहीं है। ऐसा क्या कारण था जो भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित करने में गैर लगा रही है? दोनों प्रत्याशी दोनों सीटों के कन्फर्म नहीं हुए ना, सपा का भी बसपा भी है, दोनों की निगाहें अपनी अपनी टिकी हुई है, सारे अपने अपने प्रत्याशियों को, हो सकता है कि बाद में लॉन्च करना चाहे, उसमें ज़्यादा निगाहें लगी हुई, टिपिकल लग रहा हो विधानसभा सीट पे अगर कारोबार के किया होगा तो उनको अपना फाइनल करने में क्या दिक्कत है, चाहे अपना पुराना प्रत्याशी उतार दी, कुछ न कुछ अगर उनको करना होगा। शायद बीजेपी नेता, बड़े नेता यही सोच रहे हैं कि बीजेपी नहीं, हम गलत नहीं थे, हमारे वर्कर्स गलत थे, हो सकता है इस विचारधारा पे काम करे अपना बीजेपी। अब हम इसी चुनावी मुद्दा को लेकर के हम तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जूड़ा खेड़ा। कौन सी विधानसभा लगती है? जहानाबाद। जहानाबाद विधानसभा। तो ये बताएं कि जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री रूप में मेरे हिसाब से तो बहन जी ज्यादा है। ऐसा क्या कारण है कि आपको जो है बहन जी ज्यादा बेटर लगे? बहन जी के शासन सत्ता में सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो है तो शासन टाइट होता है, हिला हुआ नहीं होता, कोई भी अच्छा किसी भी फील्ड वर्क का हमेशा समय का और अपने कार्य क्षेत्र पे काम का दायित्व निभाता है। एक चीज जो आपने कहा, पर बीजेपी सरकार जिसने 5 साल राज्य किया है उसका उसके जो कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उस पर क्या किया उन्होंने? किया ही क्या, सबसे बड़ी समस्या होती है इन्होंने किया क्या, हमें तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्यों गड्ढा में फंसे हैं लोगों को जो है पेंशन योजना है, बहुत सारे ऐसे काम है सर। देखिए, गड्ढा ये मुक्त सड़कें जो भी है होंगी जहाँ होंगी,
लेकिन हमें जो ये खजुआ से जुड़ा खेड़ा जानना है, जुड़ा खेड़ा जाने के लिए सर पहले लगता था 35 मिनट का समय, आज पूरा एक घंटा का टाइम लगता। चल के आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक भी सड़क नहीं सही है, पूरी रोड यहाँ से लेकर के वहाँ तक 8.5 किलोमीटर का रास्ता पूरा खड़ा हो गया। पर सरकार तो कह रही है, प्रशासन भी बराबर ये दावा ठोक रहा है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बना चुके हैं, इससे क्या कहते हैं? कहीं नहीं बनी सर, सिर्फ कागज पे बना हुआ होगा मानता हूँ, लेकिन फील्ड पे आप उतर आए हैं, फील्ड में आप देखिए चल कर के कहीं नहीं। एक चीज और बताया हमें कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम भाजपा की सरकार चाहते हैं, मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसके पहले जो सपा की सरकारें रही कांग्रेस की सरकारें नहीं, क्या कारण रहा जबकि इसके पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही तो उन्होंने भी देश मानता हूँ, लेकिन वो तो सरकारें जो भी आती है हमेशा धन्यवाद नीति सरकार सरकारों को, ये नहीं जातिवाद या नीतिवाद से हटकर के कार्य करना चाहिए। जातिवाद नीतिवाद जाति जाति अगर बांट करके शासन सत्ता करने का क्या मतलब? अभी तक तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि बसपा के प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए हैं, तो आप कितना लावा लगाते हैं सीटें समथिंग, ये मान के चलिएगा कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो तो 55-60 सीटें। तो आप कह रहे हैं कि 55-60 सीटें मिलेंगी बसपा को, तो क्या 55-60 सीटों पे क्या सरकार बन जाएगी? 55-60 सीटों पे तो नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँच तो जाएगी। लेकिन फिर बाद में ये भी होता है कि जो निर्दलीय विधायक जीतते हैं वो भी तो आपके सामने होते हैं, तो सरकार को क्या ऐसे कड़े कानून नहीं बनाने चाहिए कि जो निर्दलीय हैं उनकी खरीद फरोख्त का भी जो एक मामला सामने आता है उस पर क्या करें? जी बिल्कुल, आपने जायज सवाल पूछा है, फरोख्त वाला मामला जो होता है इसमें भी खरीद फरोख्त होना चाहिए, लेकिन विकास के तहत कि हम आपको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप हमसे विकास लो, जनता का विकास करो, किसान के हित का कार्य करो। नीरज जी आप पहले वाले कहा, नीरज जी बताएं कि जो ये आगामी विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं जिसका फल एक जनपद में चौथा चरण है, उस पर किसको तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी जाकर के, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा? क्या लगता है कि जैसे इस समय बीजेपी की सरकार थी या है, उस पर जो विकास कार्य किए गए उससे क्या आप संतुष्ट हैं या आपके क्षेत्र की जनता संतुष्ट है? विकास कार्य तो ठीक है, उन प्रॉब्लम्स में आप बताएं कि कौन से ऐसी खास प्रॉब्लम थी बताएं। एक तो सबसे पहले OPS का हमारा मुद्दा है, दूसरा टीचर्स के लिए ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा कमी है और दूसरा जनरल गांव में अभी भी कहते हैं सड़क। पर सरकार तो ये कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, उसमें क्या कह रही है? नहीं अब वो तो कागज में तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके तो फिर हाल आप के हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा खुलासा करते आपने देखा कि हमारे साथ कई गाँव से बात किया 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के, सब लोगों ने अपनी राय व्यक्त किया है, कोई बसपा की सरकार चाहता है, कोई बीजेपी की सरकार चाहता है, कोई कांग्रेस की सरकार चाहता है। तो अभी देखने वाली बात है कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना के बाद किसके सर पर ताज बनेगा, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, ये आगे देखा जाएगा। कैमरा मैन नीरज के साथ अमरजीत त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेह। जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड, कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।